कल होगा अनुज और अनुपमा का मिलन, कोई भी बुरी ताकत रोक नहीं पाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मिलन की घड़ियां आ रही हैं। बरखा अपनी प्लानिंग कर रही है, माया तो फ्लॉप हो चुकी है, मगर बरखा की प्लानिंग अब चालू है। गोली पे गोले खाई जा रही है और अपनी प्लानिंग करे जा रही है, कुछ ना कुछ आइडिया सोच रही है, ऐसा करूं वैसा करूं। तो बरखा अपना काम चालू रख के बैठी है, मगर वो ये नहीं जानती है कि यहाँ पे अनुपमा और अनुज के मिलन के लिए दुआएं करने वाले कितने लोग हैं और इन दुआओं में एक छोटी बच्ची भी शामिल है। चलिए चर्चा करते हैं इस मिलन के बारे में, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमने पहले भी बात की है इस बारे कि जो दिल के तार होते हैं जब वो जुड़े होते हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको जुदा नहीं कर सकती। ये जो फिजिकल दूरी होती है ये मायने रखती ही नहीं है ऐसे प्यार के आगे। तो बरखा और माया जैसे लोग इस फिजिकल दूरी को ही दूरी समझते हैं। अनुपमा इस बिलीव के साथ है कि अनुज मेरा है, जहां भी रहे वो मेरा ही रहेगा, और है भी ऐसा। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी कोई अपनी चीज है तो उसको खुला छोड़ दो, उसको फ्री छोड़ दो। अगर वो आपकी अपनी सर्टेनली होगी तो आपके पास वापस आएगी, अगर वो आपकी अपनी नहीं है तो उसका कोई गिला मत कीजिए। तो अनुज तो अनुपमा का ही है, इसलिए अनुज का एयरपोर्ट पे जल्दी पहुंचना, वहां पे अहमदाबाद में रुक के सोचना कि मैं जल्दी क्यों आ गया, फिर समझना मैं अपनी अनु के लिए आया हूं, और दूसरी तरफ अनुपमा का लड़खड़ाना, काम जो है उसकी उससे गलतियां होना, वो सब चीजें, ये सब यही दर्शाता है कि ये तो मिल ही चुके हैं पहले। ये चीजें दुख में थी, ये चीजें एक दूसरे को रुलाती थी, एक दूसरे की याद में दोनों रोते थे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हम अलग क्यों हो गए, ये था। अब फेज बदल गया है, अब फेज ये है कि दोनों को वो वाली बेचैनी है जो पहले मिलन की बेचैनी होती है, और यही तो मिलन की शुरुआत है दोस्तों। अब वो फिजिकली मिलते हैं नहीं मिलते हैं, मगर एक शुरुआत हो चुकी है जिसको कोई नहीं जानता है, ना बरखा जानती है, ना माया जानती है, ना ही वनराज जानता है, क्योंकि ये दिल की शुरुआत है, दिल की दिल से मिलन की शुरुआत है, और ये मिलन फिर से शुरू हो गया है। वो सदमे से दोनों बाहर निकल चुके हैं, अब वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। अनुपमा तो पहले ही सोच रही थी, अब अनुज भी सोच रहा है अपने अनु के बारे में कि मैं एक बार देख लेता हूं। ये देखना, ये मिलन के ही हिस्से हैं दोस्तों। अगर आप भी इस उम्मीद पे बैठे हैं कि फिजिकल मिलन ही मिलन है, तो मैं यही कहूंगी कि आप और मैं ये बात समझ लें कि ये मिलन जो अब होने वाला है ये फिजिकल से कहीं ऊपर मिलन है। ये वो रूहानी मिलन है जिसमें फिजिक की कोई इंपॉर्टेंस रहती ही नहीं है। तो अब ये शुरुआत हो चुकी है आज की कड़ी से। अनुपमा से मिलने के लिए अनुज बेताब है, उसको वो चीजें भी याद आ रही हैं जो वनराज और बरखा ने कही थी, मगर उसके ऊपर वो याद ज्यादा आ रही है कि मैं अनु से मिलूंगा। अनु की परछाई उसको दिखाई दे रही है, अनु को सामने वो देख पा रहा है। तो ये सब क्या सिम्टम्स हैं? ये दिल की आवाज है जिसको कोई नहीं रोक सकता। दिमाग कितनी भी कोशिश करे मगर दिल की आवाज को दिमाग नहीं रोक सकता। तो अब बरखा अपनी नई चाल चलने वाली है, जैसा कि हमने कमिंग अप में देखा कि नहीं मिलेंगे, मगर बरखा भूल गई है ये बात कि ये तो मिल चुके हैं ऑलरेडी, एक दूसरे के प्यार में पहले से ही सराबोर है, तो बरखा की क्या औकात है कि इनको जुदा रख सके। तो ये मिलन तो दोस्तों तय है, आप अभी से आज की कड़ी से इसकी शुरुआत को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी इन दोनों को बहुत प्यार करते हैं, और वो प्यार जो इन दोनों के अंदर है, वो दुआएं जो इन लोगों के लिए हैं, छोटी अनु की दुआ, काव्या की दुआ, बापूजी की दुआ, अनुपमा की मम्मी भाई सबकी दुआ, पाखी की दुआ, अधिक की दुआ, अंकुश की दुआ, कितनी दुआएं तो है इनके साथ, और कान्हा जी वो भी साथ में है, तो कैसे ये मिलन असंभव हो सकता है।
तो ये मिलन तो होगा दोस्तों, और इस मिलन के बाद जो पटाखे फूटेंगे ऑपोजिट पार्टी के, वो भी देखना दिलचस्प होगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.